तो टॉपिक है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एवरेज आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो पहला फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जो होती क्या है, एवरेज स्पीड सभी वेलोसिटीज का एवरेज का एडिशन अपॉन एन। वो अलग बात है कि हम ऐसे निकालते नहीं, हम ऐसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 8 के टी बाई एम। इसमें स्मॉल एम का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है, और अगर के टी की जगह आर टी यूज करते हैं तो पूरी गैस का मास आता है, मॉलिक्यूलर मास। आरएमएस स्पीड वैसे होती क्या है, वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर अप टू वी एन स्क्वायर बाई एन का अंडर रूट। और आरएमएस का वैसे फॉर्मूला निकलता क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 के टी बाई एम, वेयर एम इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर मैं के टी की जगह आर टी यूज करता हूं तो करेक्शन है, यहां पर मास छोटा एम नहीं आएगा, यहां पर मॉलिक्यूलर मास आएगा गैस का कैपिटल एम। करेक्शन करो, यहां पर स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम आएगा। करेक्शन करो, ठीक है यहां तक। और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला 2 के टी बाई एम या 2 आर टी बाई कैपिटल एम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये तीन फॉर्मूलाज याद करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग स्पीड ऑफ, देखो इसमें चार मॉलिक्यूल की स्पीड ही दे दी उसने, चार स्पीड दे दी मॉलिक्यूल की, कह रहे एवरेज और आरएमएस स्पीड निकाल लो। तो इसमें कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एवरेज निकाल दो, चार वेलोसिटीज गिवन है बाय फोर आंसर। आरएमएस निकालना है तो सभी का स्क्वायर करो, डिवाइड बाय फोर करो और अंडर रूट लगा दो आंसर। तो क्लियर है यहां तक? तो यहां से एवरेज और आरएमएस सीधे निकल जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से तीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड, तीनों की स्पीड गिवन है, फिर क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर तीनों की निकल जाएगी, वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर वी थ्री स्क्वायर बाय थ्री का अंडर रूट, और एवरेज भी निकल जाएगी एज इट इज, दोनों को डिवाइड करके रेशियो आ जाएगी आंसर। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। तो देखो आरएमएस स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला या तो लगेगा 3 आरटी बाय कैपिटल एम या 3 पीवी बाय कैपिटल एम, कुछ भी यूज कर सकते हो, आरटी भी यूज कर सकते हो पीवी भी। तो एसटीपी के ऊपर प्रेशर, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर को सही तरह करके लिखना, मास 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का, वॉल्यूम 22.4 को करेक्ट मीटर क्यूब में लिखना या वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा सिंपल। तो कोई भी फॉर्मूला चाहे तो आर टी भी यूज कर लेते तभी आंसर आ जाता, ठीक। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टन टेम्परेचर टी इज वी, कह रहे आरएमएस स्पीड कितनी है, वी है किसी टेम्परेचर पे। इफ टेम्परेचर को डबल कर दें और ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है उसको डिस एसोसिएट कर दें इनको इंटू एटोमिक ऑक्सीजन, तो चेंज इन आरएमएस स्पीड क्या होगी ये निकालो। तो रूल नंबर वन, आरएमएस स्पीड पहले कितनी है, वी, और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम है, टेम्परेचर टी है, आरएमएस वी है। अब सेकंड केस में कह रहे हैं ऑक्सीजन को डिस एसोसिएट कर दो, तोड़ दो आधे में, तो मास कितना हो जाएगा एम बाई टू, और टेम्परेचर वो कह रहे हैं क्या कर दो डबल, तो टू टी, तो आरएमएस क्या होगी वी डैश। इसको सॉल्व करो, टू टू फोर का अंडर रूट टू बाहर आएगा, ये टर्म क्या है वी, तो आरएमएस स्पीड कितने टाइम हो जाएगी ट्वाइस। तो कुछ भी नहीं करना, दो बार फॉर्मूले यूज करने हैं, एक बार ये वाला, एक बार टेम्परेचर को डबल करने वाला और मास को हाफ करने वाला, तो इन दोनों से इसमें और इसमें रिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ठीक है यहां तक, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, एट व्हाट टेम्परेचर, तो क्या निकालना है टेम्परेचर, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर दे रहा है 47 पर हाइड्रोजन का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का पूछ रहा है टी, ऑक्सीजन का दे रहा है, आरएमएस बराबर कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 32, स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड। मैं
मेथड समझ में आ रहे हैं, आरएमएस को इक्वेट करके कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक। कैलकुलेट टेम्परेचर, फिर से टेम्परेचर, एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, कह रहे कि जब टेम्परेचर बताओ, अभी तो टेम्परेचर 27 है, आप मुझे नया टेम्परेचर बताओ कि आरएमएस स्पीड जो 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर V है तो नए टेम्परेचर पे डबल हो जाए, तो इसके अंदर प्रेशर सेम है। तो एक काम करते हैं, जो आरएमएस है, गैस तो चेंज हुई नहीं, आरएमएस स्पीड दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, एक मॉलिक्यूलर मास का अंडर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि गैस तो चेंज हुई नहीं तो कैपिटल एम में तो कोई चेंज है ही नहीं, टेम्परेचर से रिलेशन है, तो आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मान लो पहले टेम्परेचर 27 था तो आरएमएस स्पीड वी 27 थी, अब टेम्परेचर टी हो गया, आरएमएस स्पीड डबल हो गई पहले से, क्योंकि उसने कहा कि आरएमएस स्पीड डबल हो जाएगी, तो टेम्परेचर निकालो, तो ये रेशियो कितनी है 2, यहां से टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले टेम्परेचर 27 है तो आरएमएस वी है, अब टेम्परेचर निकालना है जब आरएमएस डबल है, तो ये रेशियो डबल हो गई, 2 हो गया, यहां से टी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखो, देखो, डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट प्रेशर गिवन इज गिवन। तो डेंसिटी आपको दे रहा है, फाइंड RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 0 एंड 30 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट। देखो, पहले आपको डेंसिटी दे रहा है और प्रेशर दे रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है इसमें, इतनी, और डेंसिटी गिवन है, तो RMS स्पीड निकालने का ये भी तरीका था, अगर आपको याद होगा, एवरेज प्रेशर से निकाला था मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि जो एवरेज प्रेशर होता था वो होता था 1/3 रो इंटू वी का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वेलोसिटी आरएमएस आती थी। तो आपको ये फॉर्मूला जो गिवन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, 273 केल्विन पे गिवन होता है बाय डिफॉल्ट, प्रेशर गिवन है, डेंसिटी गिवन है, आंसर एक आंसर आ गया 0 पे। अब आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे आरएमएस पता लग गया, अब आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो एक बार जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर 273 है, जब 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर अंडर रूट ऑफ 273 प्लस 30 है, तो इसको ये रेशियो आ गई, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप ये वेलोसिटी निकाल चुके हो, 30 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इस शीट के बाद 154 में फिर से सेम फॉर्मूलास, प्रेशर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, 1/3 रो वी स्क्वायर, इसके अंदर डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। देखो, इस पूरे चैप्टर में तीन किस्म के मास यूज हो रहे हैं, याद रखना, मास में कन्फ्यूजन रहती है। पहला छोटा m मॉलिक्यूल का मास, दूसरा बड़ा m मॉलिक्यूलर मास, जैसे आरएमएस के अंदर अंडर रूट ऑफ 3RT बाय कैपिटल एम में कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर मास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब एवरेज प्रेशर यूज करते हैं, एवरेज प्रेशर में डेंसिटी क्या होती है गैस की, टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, लिख लेना दिस इज टोटल मास ऑफ गैस, दिस इज टोटल मास ऑफ गैस, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, प्लीज ये नोट कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रेशर के क्वेश्चन में कैपिटल एम को मॉलिक्यूलर मास पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, कंटेनर में अगर आपको एवरेज प्रेशर निकालना है तो कंटेनर में कितनी गैस का मास है वो है ये, ठीक हो गया? अब शुरू करते हैं। तो इसमें आरएमएस वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला, इसको बॉक्स में डाल लें, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
half into छोटा m v square, जिसकी derivation last time हमने की थी, याद करने को नहीं कहा था, answer क्या आया था, 3 by 2 kT. तो बस ये box में डाल लो कि एक molecule की जो energy है वो 3 by 2 kT होती है, और एक मोल की एनर्जी क्या होती है, कुछ ना करो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 by 2 kT की जगह 3 by 2 RT, इसको box में डाल लो. तो एक मोल में मास भी कैपिटल एम यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, 3 by 2 kT एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है गैस की, 3 by 2 RT एक मोल ऑफ गैस की एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम ऑफ गैस की क्या होगी, कुछ भी नहीं करना, ये 1 मोल है, इसको कैपिटल एम से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट 1 ग्राम आ जाएगा, 1 ग्राम मास. ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पे आओ. कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी of 1 mole of argon at 127 degree Celsius. किसका 1 molecule है कि 1 mole है? mole है. तो RT वाला formula use करेंगे इसमें. क्या use करेंगे? 3 by 2 RT. Temperature given है 127, Kelvin में convert कर लेना. ये लंबा कर रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है. बस इसको box में डाल लो. R आपको पता है 8.31. Temperature आप निकाल लेना. Put करके सीधा answer आएगा जो निकालना है. ये तो unnecessary R को पहले Boltzmann constant में put कर रहा है. इसकी जरूरत नहीं है. 3 by 2 RT में R और T पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. At what temperature will the average velocity of oxygen molecules be sufficient? Temperature बताओ oxygen के molecule के कितना temperature होगा so as to escape from the earth. करे earth को escape कर जाना है. तो एक molecule की energy होती क्या है बताओ? Half into small m into v square. और वैसे क्या होती है? 3 by 2 kT. आपको temperature बताना है जब molecule escape कर जाए. Escape करने का मतलब उसको velocity क्या देनी पड़ेगी? Escape velocity. तो यहां पुट कर दो एस्केप, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या निकालना है? टेम्परेचर. क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट, देखो, a vessel A contains hydrogen and another B whose volume is twice that of A. तो A के अंदर
हाइड्रोजन है और दूसरा वेसल बी का वॉल्यूम डबल है, कंटेन्स ऑक्सीजन कर लो प्लीज, यहां पर ऑक्सीजन गिवन नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ऑक्सीजन ठीक है। तो एक ए वेसल है, एक बी वेसल है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक का वॉल्यूम वी है, दूसरे का वॉल्यूम डबल है, टू वी है ठीक है। कंपेयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को कंपेयर करो, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती क्या है, 3/2 kT, के दोनों गैसेस का सेम है, 3/2 दोनों गैसेस का सेम है, टेम्परेचर वो कह रहे हैं वैसी सेम है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम है। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, गैस पे डिपेंड नहीं करती। तो 3/2 kT किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, तो किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल की सेम, तो रेशियो क्या आएगी, 1:1। सेकेंड पार्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कंपेयर करो। अब जो आरएमएस स्पीड है उसकी एक प्रॉब्लम है, टेम्परेचर तो सेम है पर कैपिटल एम गैसेस सेम नहीं है, तो आरएमएस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो एक बार हाइड्रोजन का, एक बार ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 32 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो आंसर 4:1। तो आरएमएस में कैपिटल एम काम आएगा पर मॉलिक्यूल में काम नहीं आएगा, ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट है आपको प्रेशर ऑफ द गैसेस निकालना है ए और बी में, दोनों में प्रेशर की रेशियो निकालनी है। इसमें गिवन करो, गिवन मिसप्रिंट है, गिवन मास ऑफ टू गैसेस आर सेम, मास सेम है दोनों गैसेस का, मॉलिक्यूलर मास नहीं, अमाउंट ऑफ गैस दोनों ए और बी वेसल में एग्जैक्टली सेम है। ये देना भूल गया, अगर ये नहीं देगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो मास सेम है ठीक। तो प्रेशर का रेशियो निकाल लें, जो प्रेशर होता है एवरेज उसका फॉर्मूला होता क्या है, 1/3 रो वी स्क्वायर, रो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास ये मॉलिक्यूलर मास नहीं होता प्लीज, ये किसका मास होता है, ये गैस का मास होता है, तो गैस का मास दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो एवरेज प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, आरएमएस स्पीड और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, आरएमएस स्पीड और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। तो एक काम करते हैं, एक बार प्रेशर हाइड्रोजन के लिए, एक बार ऑक्सीजन के लिए, तो यहां पर ये वॉल्यूम है, ये आरएमएस है, ये देखो ये वॉल्यूम है और ये आरएमएस है, आरएमएस का स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आरएमएस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइड्रोजन के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो रेशियोज बनाओ वेलोसिटी और वॉल्यूम की, अब वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से डबल गिवन है, तो ये रेशियो 2:1 है, और आरएमएस स्पीड आप ऊपर इस पार्ट में निकाल चुके हैं 4:1, सॉल्व करके आंसर आएगा। पर ये तभी हो पाएगा जब मासेस दोनों गैसेस का सेम है, नहीं तो मास एडजस्ट नहीं कर पाओगे आप इसमें ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है टू परफेक्ट गैसेस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड, मिक्स कर दिया, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सॉरी अगर मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर M1 M2 और गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 है, तो याद रखना वगैरह एनर्जी का लॉस ही नहीं है। तो जब मैंने उनको मिक्स नहीं किया था तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें N1, तो टोटल एनर्जी कितनी है, 3/2 kT इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहली गैस की एनर्जी आ गई, ऐसी दूसरे गैस की एनर्जी आ गई, इनको मिक्स किया तो दोनों की एनर्जी ऐड कर दी, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर हुआ उसका टेम्परेचर T हो गया, तो मिक्सचर के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, 3/2 kT, तो लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, N1 + N2, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली मिक्सचर से पहले टोटल एनर्जी, मिक्सचर की बाद गैस की एनर्जी सेम है, सेम कर दिया, सब कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। आपकी बुक्स में शॉर्टकट लिखा होगा, व्हेन टू गैसेस आर मिक्स टुगेदर, तो उसमें
जो मिक्सचर का टेम्परेचर है उसका शॉर्टकट फॉर्मूला N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये बॉक्स में डाल भी सकते हो। और कैसे मैंने प्रूव किया ये मेथड भी समझ में आ गया आपको, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, इसे पढ़ें और रिपीट है ये क्वेश्चन, रिपीट लिख दो, इसके ऊपर क्रॉस कर दो, ये रिपीट है।